नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच। मैं हूं राजेश खजूरिया। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है लाइब्रेरी में हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की लाइब्रेरी में जेके क्राइम वॉच की टीम आज आपको यहां के स्टूडेंट्स से रूबरू करवाएगी जो यहां अपनी स्टडी के लिए आते हैं। तो हमारे साथ यहां के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो यहां लाइब्रेरी में आते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइमा बानो और मैं मास्टर्स कर रही हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं बेसिकली मंडी की हूँ और यहाँ लाइब्रेरी में हम पढ़ने आते हैं। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। जी सर, मुझे बताइए आप यहाँ की टाइमिंग क्या है? यहाँ की टाइमिंग अभी तो 8:30 से रात 10 बजे तक है। जी, तो आपको यहाँ का कैसा लग रहा है? यहाँ आके यहाँ अच्छा है। पहले थोड़ी बहुत इश्यूज थे, वो हो गए रिजॉल्व। मसलन ये इंटरनेट, ये वाईफाई था, इसका इशू था। मतलब अच्छे से वाईफाई नहीं चल रहा था। उसके बाद न्यू वाईफाई, दो वाईफाई लगे, तो अब अच्छे से बच्चे मतलब इसका बेनिफिट ले रहे हैं और बच्चे काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा। आप बताएंगे कि काफ़ी स्टूडेंट, खासतौर पर मैं लड़कियों की बात करूँगा, कि उनको पेरेंट्स लो नहीं करते हैं घर से बाहर जाने के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी इस लाइब्रेरी की जान से? जी, मैं उन अपनी बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आओ लाइब्रेरी में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जॉब के लिए या किसी भी मतलब एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करो। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे हर तरीके से सेफ है, अच्छा है यहाँ का माहौल। मतलब अगर कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज़ करेगा भी, उसके अगेंस्ट मतलब हमारी जो है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लेंगे। जो भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी, तो मैं अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आओ लाइब्रेरी में। आप मतलब जो भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, जिस चीज के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी, सिंपल आपको रीडिंग के लिए बैठना होगा, आप आ सकते हो। तो आप यहाँ पे जो लाइब्रेरी है इसका आप फुल्ली मतलब फायदा उठा सकते। आखिरी क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, आप घर में भी तो स्टडी कर सकती हैं, आपको कैसा लग रहा है लाइब्रेरी में, क्यों आप आ रही हैं? जी, अगर लाइब्रेरी का घर का होता तो फिर मतलब जो भी बच्चे हैं उनको स्कूल में ना डालते। घर में और लाइब्रेरी में ये होता है कि ये इंस्टीट्यूट होता है, यहाँ पे सब बच्चे होते हैं, उनके साथ मतलब बच्चों के साथ मिलके इंसान देख के मतलब एक एनवायरमेंट देख के उनको मतलब लगता है कि ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हम मतलब उनको एक मतलब अच्छा लगता है, वो भी पढ़ते हैं। घर पे नहीं, जो एनवायरनमेंट लाइब्रेरी में जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो वहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट होता है पढ़ाई का, वो घर पे नहीं बन सकता है। जी जी, शुक्रिया। आपने देखा, इन्होंने पूरे विस्तार में बताया और ये भी इन्होंने बताया कि यहाँ खासतौर लेडीज को, बच्चियों को आने में यहाँ कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैमरे वगैरह की सारी फैसिलिटी है और यहाँ पे जो है अच्छी स्टडी जो है कर सकती है। तो हमारे स्टूडेंट भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम सैयद हबीबुल इस्लाम है, मैं सड़ी चौना का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पुंछ, हमारी फैमिली रहती है, तो मैं यहाँ लाइब्रेरी आता हूँ परमानेंट स्टडीज़ के लिए। मैं कॉलेज फर्स्ट सेम था, तो वहाँ से मैं आता हूँ, कॉलेज की स्टडीज़ भी करता हूँ और साथ ही साथ सिविल्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ। आपको आपके साथ में वहाँ सड़ी चौना से और कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं? मेरे साथ एक दो फ्रेंड्स हैं, वो भी वहाँ से आ रहे हैं परमानेंट यहाँ का, क्योंकि बहुत अच्छा जो नेचर है, सारे पढ़ने के लिए बैठे होते हैं यहाँ पे। कंप्लीट बुक्स प्रोवाइड की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सिविल्स की सारी चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप बताएंगे आपके अपनी उम्र के स्टूडेंट को, आप जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और कहीं ड्रग्स वगैरह में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगा, कुछ बच्चे हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, उनको गंदा इन्वायरमेंट मिला जिसकी वजह से वो चले गए हैं। अब वो पीछे हटने की सोच रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हट पा रहे हैं। उनके लिए बेस्ट जो है वो लाइब्रेरी है, ऐसी जगहों पे बैठे हैं जहाँ सारे अच्छे काम हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आएंगे खुद ब खुद उनकी ये हैबिट, बैड हैबिट्स छूट जाएंगी, वो पढ़ने में इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे होते हैं, कोई वैसी गंदी हरकतें नहीं कर रहा होता, यहाँ पे माहौल ही वैसा होता है पढ़ने वाला, इसलिए। जी शुक्रिया, आपने देखा इन्होंने जो है खुल के जो है बताया और तकरीबन अपने बाकी साथियों को कहा कि वो खुल के आके यहाँ पढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक और जो है स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मोहम्मद रवीद राजा है। राजा जी, बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? जैसे नवीद भाई ने बताया, मतलब सब अच्छा ही है लाइब्रेरी में, तो सारी बुक्स हैं,
जो भी पर्सन अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए या छोटे मोटे एग्जाम के लिए कुछ भी वो तैयारी करना चाहता है वो आ सकता है इधर। तो इधर आपको कैसा लग रहा है कि ये लाइब्रेरी यहाँ अभी खुली है, ये कब से खुलनी चाहिए थी, कैसा लग रहा है? मैं तो ये बोलूँगा ये मतलब काफ़ी साल पहले खुल जानी चाहिए, जो भी मतलब बच्चे हैं जो मतलब जिनको मतलब ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाया वो मतलब आज के किसी मतलब ऊंचे मुकाम पर पहुंचे होते हैं। तो क्या मैसेज देंगे आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं सब स्टूडेंट को यही मैसेज दूंगा कि आप आइए, मतलब गलत एक्टिविटीज में मत इन्वॉल्व होइए, इधर आइए तो पढ़ाई कीजिए, सबसे अच्छा मतलब माहौल है मिलता है। जी शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें पहले वॉशरूम की प्रॉब्लम थी, वो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी ने हमें प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन वो यहाँ पे सेपरेट वॉशरूम नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और उसकी कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम चाहेंगे कि उसे क्लीन करवाएं। जी शुक्रिया। थोड़ा सा इसको कट जी, आप बताएंगे लास्ट में मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा कि आप वहाँ से आए, कौन सा चैनल था आपका नाम क्या? क्राइम वॉच। क्राइम वॉच के चैनल से आप आए यहाँ पे पूछने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को देखा आपने, यहाँ पे कैसा माहौल है सारा कुछ जाना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले, जैसे कि यहाँ पे वॉशरूम की प्रॉब्लम थी एंड वाईफाई की, वाईफाई डीसी साहब आए थे, उन्होंने चेक किया यहाँ पे वाईफाई की प्रॉब्लम्स को हल करके गए, एंड वॉशरूम जो थे फंक्शनल नहीं थे, तो उनको उन्होंने PWD को ऑर्डर भेजा हुआ है तो इनको फंक्शनल बनाओ, और बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे, आपका दिल से शुक्रिया बहुत बहुत। टाइमिंग का क्या इशू आपको? हमें टाइमिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि टाइमिंग मॉर्निंग से 8:30 से लेकर 6:30 तक, इसे थोड़ा इन्हेंस करें, ताकि कुछ बच्चे मॉर्निंग में आना चाहते हैं वो भी हैं, एंड इवनिंग में कुछ लेट नाइट तक बैठना चाहते हैं। टाइम टेबल आप क्या चाहते हैं कि कितना होना चाहिए? टाइम टेबल होना चाहिए 7:00 ओपन होनी चाहिए, एंड रात लेट तक खुली रहनी चाहिए 9:00 तक, क्योंकि जो सिटी के बच्चे हैं आसपास के हैं वो भी इस वजह से थोड़ा खज्जल हो रहे हैं, इस वजह से कुछ दूसरी लाइब्रेरी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जी जी शुक्रिया। इन्होंने विस्तार से बताया कि कुछ बच्चे जो हैं वो पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके पढ़े, लेकिन उसके लिए इन्होंने बोला कि वो इस लाइब्रेरी में यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रॉब्लम इन्होंने वॉशरूम की बताई जो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन PWD को भी DC साहब ने जो है उनको बोला है कि इसको फौरी तौर पर तैयार किया जाए, और साथ में इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई कि यहाँ एक सफाई कर्मचारी जो है वो भी होना चाहिए जो इसकी साफ़ सफाई रखे, और उन बच्चों से भी अपील की है कि जो जो बच्चे जो है ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या उस तरफ जो टाइम अपना जो है उस तरफ वेस्ट कर रहे हैं, वो आके यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ें और अपने भविष्य को जो है सुनहरा बनाएं। जेके क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की रिपोर्ट।